गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल क्लास आप लोग का नहीं ले पाए, आज क्लास फिर से शुरू हो रहा है। शायद आप लोग क्लास में इलेक्ट्रिक फोर्स तक पढ़ा चुके थे। आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को बोलते हैं कूलम्ब का नियम। कूलम्ब्स लॉ क्या है? आपके लेक्चर क्लास में कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताए थे, समझाए भी थे, आज लिखाना है तो आज से शुरू करते हैं। कूलम्ब्स एक वैज्ञानिक का नाम है। कूलम्ब्स ने एक डिफिनेशन दिया था सन 1785 ईस्वी में। फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलम्ब ने अपने प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले एक बल के संबंध का खोज किया था, जिसे कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। इनके नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एवं लगने वाला बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो इस प्रकार के नियम को कूलम्ब्स लॉ के नाम से या कूलम्ब के नियम के नाम से जाना जाता है। इसको लिखते हैं, बाद में इसको सिद्ध करते हैं। बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। बोल भी सुन भी लिख सकते हैं आप लोग, या जिसको सुनाई नहीं दे रहा वो देख के लिखेंगे। परिभाषा क्या है? सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलम्ब ने चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब, शॉर्ट नेम सीए कूलम्ब, सीए कूलम्ब ने अपने प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का खोज किया था। कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। इनके
इनके नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच उन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलम्स लॉ कहते हैं। ये रहा आपका कूलम्स लॉ, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। एक बार पढ़ देते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप मिला लें। लिखे हैं, शुरू से पढ़ना लिखिएगा। सन 1785 ईस्वी में लिखिएगा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलम्ब ने अपने प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का खोज किया था, जिसे कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। इनके नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। इसे एक बार बोल दिए, बोर्ड पर लिखे भी है, आप मिला लीजिए और कॉपी में लिखिए। तो सीए कूलम्ब ने अपने प्रयोग के आधार पर दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण, अब उन्होंने बताया कि दो आवेश रखे गए हों, उनके बीच की दूरी आर हो, तो उन आवेशों के बीच नहीं तो आकर्षण होगा, नहीं तो प्रतिकर्षण होगा। वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अलावा सीधा समानुपाती होगा और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलम्ब्स के नियम के नाम से जाना जाता है। अब इसे सिद्ध करते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में कि कूलम्ब के नियम को लिखें एवं इसका व्यंजक ज्ञात करें या इसे प्रमाणित करें। तो चलते ये परिभाषा हो गया, अब इसका व्यंजक ज्ञात करते हैं।
देखिए, माना कि यह दो आवेश है, इसका प्रूफ देखिए। माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 है, जिनकी बीच की दूरी क्या है? माना कि दो आवेश क्या है, Q1 और Q2, जिनके बीच दूरी क्या है, R है। ये है Q1, ये है Q2, इसके बीच दूरी क्या है, R है। अब कूलम्ब के नियमानुसार इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है F होगा, वह समानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग। इसको एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा आपका, इसीलिए F बराबर F प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 by R square। लेक्चर क्लास में पढ़ाए थे, अब इसको ऐसे लिख सकते, इसलिए F बराबर, जब समानुपाती का साइन हटता है तो कॉन्स्टेंट लगता है, कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, K Q1 into Q2 by R square। K क्या है, कॉन्स्टेंट है, यहां लिख देते हैं वेयर के इज प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट, ये रहा आपका के। इस के का वैल्यू होता है, के इज इक्वल टू होता है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है एप्सिलॉन नॉट, इसका न्यूमेरिकल मान होता है फोर का मान होता है, फोर पाई का मान 3.14, एप्सिलॉन का मान 8.854×10^-12 होता है, उसको रखिए इसका मान आता है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, या के का ऐसा यूनिट है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये रहा के का मान। अब आप लोग 10th क्लास में यहां तक पढ़े होंगे F बराबर K into Q1 into Q2 by R square। अब यहां K का मान रख दिए, K बराबर 1 by 4 pi epsilon naught, उसका न्यूमेरिकल मान 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब यहां पर K का मान रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां रखिए, यहां से यहां आते हैं, तो ये हो जाएगा, इसीलिए F बराबर, इसको ये पिक्चर अलग कर लीजिएगा, F बराबर 1 by 4 pi epsilon naught, नीचे दिखाई दे रहा है सर, नीचे दिखाई दे रहा है जी सर, ये वाला F बराबर हो जाएगा 1 का मान, यहां पर k का पर इसको रख दिए, F बराबर 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by
आर स्क्वायर, ये रहा आपका कूलम्ब्स लॉ का व्यंजक, एफ बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, एफ हो गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, फोर पाई कॉन्स्टेंट, क्यू वन इंटू क्यू टू दो आवेश है, आर की नीचे दूरी है, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर कुछ एप्सिलॉन नॉट क्या बोलेगा, एप्सिलॉन नॉट जो होता है शून्य काश, इसलिए निर्वात, इसलिए हम बोलते हैं वैकम, एप्सिलॉन नॉट निर्वात, ये इसका और नाम है या शून्य आकाश, ये एक और नाम है या मुक्त आकाश, मुक्त आकाश की क्या है परमिटिविटी है, क्या है पर मिटी भीटी, इसको हिंदी में बोलते हैं परमिटिविटी को विद्युतशीलता, क्या बोलते हैं विद्युतशीलता, या वो और इसका नाम है या पारा वैद्युतता है। अब कोई पूछे कि यहां यहां बोर्ड यहां तो करा कैप्चर हो रहा नहीं हो रहा, हो गया यहां तक स्पष्ट दिखाई दे रहा पढ़ा जा रहा चलिए, तो यहां एब्सोल्यूट निर्वात वैकम या शून्य आकाश की या मुक्त आकाश की कई नाम है इसके, परमिटिविटी पी पी ई आर पी ई आर एम आई डबल टी आई वी आई टी वाई, इसको स्पेलिंग नहीं पढ़ा रहा हूं देख लीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट को शून्य आकाश या मुक्त आकाश या निर्वात की परमिटिविटी कहते हैं, या इसे वी बोलते हैं विद्युतशीलता कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए अपना उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, आगे बढ़ा मोबाइल जरा देता नहीं हो गया, चलो देखिए यहाँ पर आप देख रहे थे f बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन q1 इनटू q2 बाई r स्क्वायर, एप्सिलॉन निर्वात या वैकम या शून्य आकाश या मुक्त आकाश की परमिटिविटी है, ये शून्य बोलते हैं विद्युतशीलता या परावैद्युतता है, तो ये रहा आपको निर्वात या शून्य आकाश की जो है जब रखे में दो आवेश रखे गए हो, निर्वात या शून्य आकाश या मुक्त आकाश में दो आवेश रखे गए हो तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का व्यंजक होता है, एफ बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन इनटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, कोई पूछे एप्सिलॉन क्या बोले, एप्सिलॉन निर्वात या शून्य आकाश या मुक्त आकाश की जो है परमिटिविटी है, इसे विद्युतशीलता या परमिटिविटी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब यही दो आवेश जो है और माध्यम में रखे गए हो, इसके लिए व्यंजक दूसरा होता है कूलम्ब लॉ का ही व्यंजक, इसलिए व्यंजक हो जाता है एफ बराबर लिखेंगे यानी माध्यम निर्वात न होकर निर्वात, यहां से परावर्तित लिखेंगे यदि माध्यम निर्वात न होकर न होकर कोई माध्यम उपस्थित हो,
माध्यम उपस्थित हो तो उसे उस माध्यम को उस माध्यम को एब्सोल्यूट परमिटिविटी एब्सोल्यूट परमिटिविटी हिंदी बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इसको एस सिंबल इसका होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन क्या होता है ऐसे एप्सिलॉन लिखे हैं। इसके बाद यहां लिखे थे फिर से लिखे पढ़ते सुनिएगा f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इनटू क्यू टू आर स्क्वायर में एप्सिलॉन नॉट निर्वात वैक्यूम या शून्य काश या मुक्त काश की परमिटिविटी कहलाता है। अब इसे निर्वात न होकर यदि माध्यम निर्वात न होकर कोई माध्यम यहां पर कोई लिखेंगे कोई माध्यम उपस्थित हो तो उस माध्यम को एब्सोल्यूट परमिटिविटी या हिंदी बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन इसका व्यंजक हो जाएगा। अब एफ बराबर इसीलिए एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट अब एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा एप्सिलॉन होगा क्या होगा एप्सिलॉन क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर ये रहा आपका कूलम्ब लॉ का व्यंजक यहां लिखेंगे प्रूव्ड साबित हुआ। तो ये रहे आपकी कूलम्ब लॉ का परिभाषा उसका व्यंजक एक बार शुरू से लिखे पढ़ देते हैं। कूलम्ब लॉ हेडिंग किए थे कूलम्ब का नियम और लिखे थे कि 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलम्ब ने अपने प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का खोज किया था जिसे कूलम्ब के नियम के नाम से जाना जाता है। उनके नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है इसे कूलम्ब के नियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सामने आपको लिखा गया मान लीजिए दो आवेश है यहाँ पर दो आवेश लिखे गए Q1 और Q2 के बीच की दूरी r है तो लिखा है माना कि दो आवेश Q1 और Q2 है इनकी जिनके बीच की दूरी क्या है r है f proportional to q1 into q2 inversely proportional to r square अब f proportional to q1 into q2 r square अब एक संपाती से हटेगा तो यहां पर k हो जाएगा तो f बराबर k कांस्टेंट है q1 into q2 by r square where k is proportional constant जिसे k को संपाती नियतांक बोलते हैं और k का मान होता है 1/4 epsilon naught इसका न्यूमेरिकल मान होता है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तब इसका व्यंजक जैसे k का मान यहां रखेंगे तो जगह f बराबर 1/4 epsilon naught q1 into q2 by r square अब epsilon naught क्या बोलते हैं तो epsilon naught को निर्वात वैक्यूम या शून्य काश या मुक्त काश की परमिटिविटी PrmIVITY हिंदी बोलते हैं विद्युतशीलता या परावैद्युतता बोलते हैं। अब इस निर्वात के जगह पर अब एप्सिलॉन के जगह पर कोई माध्यम हो वही लिखा है परावचिन्ह लिखना है कॉपी में परावचिन्ह लिखिएगा यदि माध्यम निर्वात ना होकर कोई माध्यम उपस्थित हो तो उस माध्यम को एब्सोल्यूट परमिटिविटी हिंदी बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं जिसे एप्सिलॉन से नोट किया जाता है। तो अब व्यंजक हो जाएगा अब एप्सिलॉन के जगह पर एप्सिलॉन जो बोला एप्सिलॉन इसको हटा देंगे एप्सिलॉन नॉट को यहां जगह एप्सिलॉन तो जगह एफ बराबर 1/4 epsilon q1 into q2 by r square ये आपको 5 नंबर के व्यंजक कूलम्ब लॉ उसकी परिभाषा उसका व्यंजक आप कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं जल्दी से छापिए आगे बढ़ें।
इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं, ये एप्सिलॉन लिखा गया है, आप इसको सुधार लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोग लिख दिए होंगे, इसको मिटाएं। नेक्स्ट टॉपिक है, पहले उसमें अभी आप पढ़े होंगे तो इसको दिखा देते हैं, देख लीजिए ध्यान से, इसको स्टार देके या ऐसे एक लिस्ट में घेर लीजिएगा। अभी पढ़े आप लोग एफ दो व्यंजक पढ़ाए, कूलम्स लॉ का दो व्यंजक, एक पढ़ाए एफ एयर के लिए निर्वात या एयर, वन बाई फोर बाई एप्सिला नॉट Q1 into Q2 by R square। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन। और एक पढ़ा है F मीडियम के लिए वन by फोर by एप्सिलॉन नॉट Q1 into, यहां एप्सिलॉन होगा Q1 into Q2 by R square, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए। तो दो आपका व्यंजक अभी ज्ञात होता है कूलम्स लॉ में, एक F एयर के लिए 1 by 4 by epsilon Q into Q2 by R square, एक F मीडियम के लिए 1 by 4 by epsilon Q1 into Q2 by R square, इसमें epsilon नॉट होगा, इसमें epsilon होगा, इसका नाम लिखते हैं, इसको बोल देते हैं क्या, इसको बोलते हैं, ये स्टार देके सामने में लिखना है, ये नोट करके या स्टार करके या सारणी बना लीजिए ऐसे, और उसको उसमें पैक कर दीजिए, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात या हवा की विद्युत और इसका वैल्यू होता है, इसका नाम क्या है, पहले नाम लिख लीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एप्सिलॉन 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 नॉट, और इसका न्यूमेरिकल मान होता है एप्सिलॉन का एप्सिलॉन नॉट का 8.854 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये रहा एफ एयर के लिए यह व्यंजक, एफ मीडियम के लिए यह व्यंजक, और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, आवाज स्पष्ट रूप से जा रही होगी, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात या हवा की विद्युतीयता, इसका नाम प्रोनाउंसिएशन होता है एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 8.854 इंटू 10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहां आते हैं,
इसी में लिखना है, इसको बोलते हैं, देखिए साइन ऐसा भी पढ़ते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं केवल एप्सिलॉन, इसमें नॉट नहीं होगा, केवल एप्सिलॉन ग्रीक वर्ड है। तो ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एक ऐसे होता है एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। हो गया, इसको हिंदी बोलते हैं, आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों चाहिए तो दोनों लिख रहा है, इसको हिंदी बोलते हैं अपेक्षिक या सापेक्षिक। विद्युतशीलता, विद्युत ये रहा आपका, इसको सारणी में पैक कर लीजिए, पुस्तक के अक्षरों का मान कितना होता है आता है एग्जाम में, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है तो 8.854×10^12 इसका प्रोनाउंसिएशन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है निवात की हवा की विद्युतशीलता है, ये क्या है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसका क्या कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, हिंदी में अपेक्षित या सापेक्षिक विद्युतशीलता। इसको लिख लिए, अब इसको मिटाए, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसके बाद टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी, हिंदी बोलते हैं सापेक्षिक या अपेक्षिक, सापेक्षिक विद्युतशीलता। अभी जो इसके पहले लिखा है तो बोर्ड पर उसको सारणी में ऐसे पैक कर देना है, और पैक करने के बाद उसको इसको हेडिंग करना है रिलेटिव परमिटिविटी, हिंदी बोलते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा देखिए बोल रहे हैं और लिख रहे हैं दोनों काम करते हैं, सुन के लिखे या बोर्ड पर से देख के लिखे एज लाइक यू, क्या हो जाएगा हवा या इसकी परिभाषा है हवा या निवात में किन्हीं दो आवेशों के बीच हवा या निवात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम बल
माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच माध्यम में उसी दो आवेशों के बीच उसी दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब बल का अनुपात कूलम्ब बल का अनुपात रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी कहलाता है। हवाई निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब बल तथा माध्यम उसी दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब बल का अनुपात रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। इसे एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक एवं विमा नहीं होता है। इसे डाइइलेक्ट्रिक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हिंदी बोलते हैं पारावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पारावैद्युतांक भी कहते हैं। ये रहा ऐसा आपका रिलेटिव परमिटिविटी सापेक्षिक या आपेक्षिक विशिष्टता की परिभाषा। कोई पूछे किसे कहते हैं तो बोलिएगा हवा या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब बल तथा माध्यम में उसी दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलम्ब बल का अनुपात रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। इसे एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक एवं विमा नहीं होता है। इसे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हिंदी बोलते पारावैद्युतांक भी कहते हैं। तो ये रहा आपका परिभाषा। इसको लिखिए एग्जाम में कभी पूछा भी गया कि आपेक्षिक या सापेक्षिक विरुद्धशीलता से क्या समझते हैं तो ये आपका परिभाषा हो जाएगा। व्यंजक याद करते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी का व्यंजक कैसे ज्ञात होगा। कितना टाइम होगा
देखिए टाइम, हेलो टाइम हो गया है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ये आपका हो गया आपेक्षिक यास, आपेक्षिक विलोमशीलता की परिभाषा, उसका मात्रक बीमा, उसका सिंबल कल पढ़ाएंगे कि इसका व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज इतना ही टाइम हो गया है। ऑल द बेस्ट।